और चलिए बात करते हैं गौ अभ्यारण और गौ कैबिनेट की। जी हाँ, सिर्फ गौ कैबिनेट बनाने से गायों के संवर्धन और संरक्षण को किया जा सकेगा? एक बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा गया था, जिस पर भाजपा सरकार में आगर मालवा में गौ अभ्यारण की बदहाली, अव्यवस्था व मृत गायों व उनके शवों को कुत्तों द्वारा नोचे जाने को जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी, जिसकी किरकिरी से बचने के लिए गौ कैबिनेट और इस गौ अभ्यारण के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बेहतर होता है कि मुख्यमंत्री वही गौ कैबिनेट व अभ्यारण की अव्यवस्थाओं की वास्तविक तस्वीर सभी के साथ देखते और सच्चाई स्वीकार कर शुभारंभ के बाद से ही हो रही गौ माताओं में निरंतर मौतों व प्रदेशवासियों से वो माफी मांगते। ये बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सलारिया पहुंचे थे, जहां पर गौ अभ्यारण का शुभारंभ किया गया था और उन्होंने गौ कैबिनेट भी बनाई है, जिसमें गायों के संवर्धन और संरक्षण को लेकर पशुपालन विभाग के अलावा अन्य विभागों की भी महत्वपूर्ण भूमिका की उन्होंने बात की है। इसके लिए एक मंत्री परिषद का भी गठन किया गया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आगर मालवा में गौ अभ्यारण की बदहाली हुई, अव्यवस्थाएं हुई, मृत गाय और उनके शवों को कुत्तों द्वारा नोचने की जो तस्वीरें थी वो सामने आई थी, और उसी किरकिरी से बचने के लिए उस अभ्यारण को बनाने का निर्णय ही बदल दिया गया है। ये बेहतर होता कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन तस्वीरों को सबके साथ साझा करते और जनता से माफी मांगते। ये बड़ी बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिवाली के अवसर पर हर बार